नमस्ते, कैसे हैं आप? वेलकम टू केज स्क्रम्शियस एलिमेंट्स। एंड आज हम, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पिंडी छोले सीखे थे, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप बहुत ही बढ़िया और करारे भटूरे कैसे बना सकते हैं, ताकि आपका एक कॉम्बिनेशन बन जाए एक हमारे पिंडी छोले के साथ। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि छोले भटूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत ही फेमस डिश है। ये पूड़ी की तरह ही होते हैं, बट ये मैदे के बने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बोल लीजिए और उसमें जो है हम एक टेबल स्पून शुगर लेंगे और उसको गर्म या गुनगुने पानी के साथ में थोड़ी देर के लिए रख के मिलाएंगे, ताकि वो जो चीनी है वो प्रॉपरली डिज़ोल्व हो जाए। उसको कुछ देर के लिए आप साइड में रख दें तो वैसे ही डिज़ोल्व हो जाएगी, तो उसको आपको कंटिन्यूसली चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब हम सबसे पहले आटा मार लेते हैं। तो अब हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, स्पेशली जिसमें हम आटा मारते हैं, जिसको कहीं जगह पे परात भी बोला जाता है, जिसका मुंह बड़ा होता है और थोड़ा सा गहरा होता है, थाली नुमा ही होता है लेकिन थोड़ा गहरा होता है। उसमें हम 4 कप मैदा ले लेंगे और उसको जो है हम एक वेल जैसा बना लीजिए इसमें बीच में, जब आटा हम डाल लेते हैं। और फिर हम इसमें इन्ग्रीडियंट डालना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम इसमें जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट मिलाने वाले हैं वो है 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का डिब्बा आपको बहुत ही सस्ता मिल जाएगा किसी भी शॉप पे, वो ले लीजिए। और 1/4 चम्मच मीठा सोडा भी बोलते हैं, खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, वो रखिए। और 1 कप जो है वो दही ले लीजिए। अब दही अगर खट्टा है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। आई मीन योगर्ट वाला दही नहीं होना चाहिए, जो घरेलू दही हमारा होता है या नॉर्मल जो दही आता है वो दही ले लीजिए। लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये मिक्स कर दीजिए। और इसके अलावा हम थोड़ा सा इसमें वेजिटेबल ऑयल डालेंगे, तो आप करीबन 2 से 3 चम्मच वेजिटेबल ऑयल ले लीजिए। और सॉल्ट आप टेस्ट के अनुसार का लीजिए, लेकिन थोड़ा सा लोअर साइड में ही लीजिएगा, बहुत हाई सॉल्ट मत ले लीजिएगा। और जो शुगर का पानी हमने बनाया था ना, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। तो शुगर का पानी जब हमने बनाया था तो उसमें 3 से 4 चम्मच या 5 चम्मच से ऊपर पानी नहीं था, तो वो बहुत ऐसा नहीं होगा कि आपका आटा मर जाए इतना। और 1 टेबलस्पून इसमें अगर आप रवा डाल देंगे, इसको सेमोलिना भी बोलते हैं, उससे क्या होगा, उससे आपके जो भटूरे हैं वो बहुत करारे बनेंगे। ये एक बहुत सीक्रेट चीज़ है जो कहीं बहुत जो फेमस भटूरे वाले हैं, छोले भटूरे वाले हैं, वो यूज़ करते हैं। तो बस अब इसको धीमे धीमे से, जो वेल में हमने सारी चीज़ें डाली हैं, अब हम स्लोली स्लोली हाथ से चलाना शुरू करेंगे। और ये सारे इंग्रेडिएंट आपस में बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएं, ये हमारा मोटिव होना चाहिए। अभी भटूरे बनाने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट की चीज़ है वो ये है कि हम आटा किस तरीके से मार रहे हैं, भटूरे का डो कैसे लगा रहे हैं, तो इसका ध्यान रखिए। और अभी फ़िलहाल आप इसको सब सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करिए धीमे धीमे। और जब बहुत अच्छी तरीके से सारे इंग्रेडिएंट आपस में मिल जाएं, तब हम नेक्स्ट लेवल पे इसको मारना शुरू करेंगे। तो अब देखिए, सारा आटे में जितने इंग्रेडिएंट्स हमने डालने थे सब प्रॉपर्ली मिल चुके हैं। तो अब हम इसमें ल्यूक वार्म वाटर लेंगे और धीरे धीरे करके पानी मिक्स करना शुरू करेंगे और मारना शुरू करेंगे। अब इसके मारने की टेक्निक ऐसी है कि एक तो आटे को थोड़ा ढीला रखना है, बहुत पूड़ी जैसा या रोटी जैसा नहीं मारना है, उससे थोड़ा सॉफ्ट रखना है डो को। तो नंबर 1 तो ये चीज़ है। सेकेंड चीज़ है कि जब हम पानी डालते डालते एक टाइम ऐसा आएगा कि, तो अब देखिए कि ग्लूटेन कितना हाई हो गया है आटे में, कि वो आपसे रबड़ जैसा खिंचना शुरू हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, एक टेक्निक कहलाती है जिसमें हम पटकते हैं आटे को। तो आप बस लेते जाइए और पटकते जाइए, द वे आई एम डूइंग इफ़ यू कैन सी। तो इस तरीके से आटे में बहुत अच्छी तरीके से हवा भी भर जाती है और वो अच्छी तरीके से फूल जाता है। तो इसको एक आप करेंगे तो जैसे चाशनी बनाते हैं तो तार की बनती है ना, उसी तरीके से अगर आप देखें तो आटे में भी तार आने शुरू हो गए हैं। ये एक सही तरीका है आटे को, जो हमारा भटूरे का आटा होता है, उसको बनाने का।
तो बस कुछ देर की मेहनत ये ज़रूर लगेगी, लेकिन जो भटूरे का जब टेस्ट आएगा तो वो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट होगा। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ी मेहनत है, बट हाँ ऑथेंटिक टेक्निक जो है वो यही है। तो आप आटा देख रहे होगे कितना मेरे हाथ में चिपक रहा है और कैसे आटे में हमको थोड़ा थोड़ा तेल मिलाना पड़ रहा है, और इसको मिला मिला के, क्योंकि आप हाथ से और थाली से थोड़ा थोड़ा छुड़ा सकते हैं आटे को। तो बस इस तरीके से जब आप एक साथ इकट्ठा करते जाइए, फिर थोड़ा मारने की कोशिश करिए, फिर इस तरीके से उसमें इंडल्ज करने की कोशिश करिए अपने ऑयल को। सो बस अब आटे को एक साइड में इकट्ठा कर लेंगे और थोड़ा सा तेल लगा लगा के अपने हाथ से और थाली से छुड़ाकर आटे की जो ऊपरी परत है वो चिकनी कर देंगे। और इसके बाद अब आटे को हम कुछ देर के लिए रेस्ट पे रखेंगे। तो 3 से 4 घंटे आइडियली है, अगर आप मॉर्निंग में बनाते हैं तो दोपहर में खा सकते हैं, और बेस्ट रहेगा कि अगर आप इसको ओवरनाइट छोड़ दें, क्योंकि जो हमने इंग्रेडिएंट इसमें मिलाए हैं, जो कि है दही, चीनी, नमक, ये सारा एक रिएक्शन क्रिएट करेंगे, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं या नॉर्थ इंडियन भाषा में बोलते हैं कि इसमें खमीर उड़ जाएगा, यानी कि ये थोड़ा सा फर्मेंटेड हो जाएगा, और जब फर्मेंटेड हो जाएगा तो उसके बाद जो भटूरे का टेस्ट आता है वही है असली भटूरा। तो बस इसको एक साइड में आप रेस्ट करने के लिए रख दीजिए, और फिर हम जब हमारे छोले तैयार हो जाएंगे तब तक हम अपने छोले तैयार कर लेंगे, और जब छोले तैयार हो जाएंगे तो ये तो एकदम लास्ट का काम है, क्योंकि भटूरे एकदम गरम गरम सर्व करे जाते हैं कढ़ाई से निकाल कर सीधा प्लेट में। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपको एक गीला कपड़ा करना है, कॉटन का हो तो बेस्ट है या मलमल का, और उसको गीला कर लेना है, और उसको ये जो हमने आटा माड़ा हुआ है जिसको साइड किया है प्लेट पे, उसके ऊपर रख के इसको रेस्ट के लिए छोड़ देना। तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एक तो आटा इतना सफिशिएंट चिकना हो जाए कि वो थाली में या आपके हाथ में ना चिपके, तो उसके लिए आप तेल लगा लगा के उसको प्रॉपरली चिकना करके एक साइड में इकट्ठा करें, और फिर उसके ऊपर आप अपना गीला कपड़ा डालें। तो गीला कपड़ा जो है वो अगर आप लंबे समय के लिए छोड़ रहे हैं, 7 से 8 घंटे के लिए अपने आटे को छोड़ रहे हैं, तो गीला कपड़ा अच्छा खासा होना चाहिए, या फिर आप उसको बीच में जाके दोबारा से हल्का सा डैम्प हाथों से पैट कर सके कपड़े को, या फिर इतना गीला हो सफिशेंट कि वो उसको नमी प्रॉपरली प्रोवाइड कर सके। तो बस इसको छोड़ दीजिए। अब आप अपना जो मैंने आपको छोले भटूरे में से छोले की रेसिपी सिखाई है पिंडी छोले की, वो आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके छोले ऑलरेडी भीगे होंगे अगर आप छोले भटूरे बनाना चाहते हैं। तो बस खाने से पहले अपने छोलों को गर्म करें और अपनी प्लेटिंग लगा लें, जिसमें कि अनियन रिंग, अचार और पुदीने और धनिया की चटनी होगी दही वाली, और उसके साथ में हम भटूरे बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले प्रिपरेशन क्या होगी, हमने क्योंकि भटूरे जो हैं वो डीप फ्राई होते हैं पूड़ी की तरह, तो एक बड़े से कढ़ाई में तेल डाल लीजिए सफिशिएंट, जिसमें अच्छी तरीके से डीप फ्राई कर सको आप छोले को, और फिर आप अपने जो भटूरे हैं उसके आटे से कपड़े को अलग करिए और हाथ से थोड़ा थोड़ा भटूरे को आटे को जो है वो साइड करना शुरू करिए। तो एक हल्का सा, एक तरीके से कहेंगे कि रीपैट दे दीजिए आटे को, और उसके बाद आटे के ना गोले बनाना स्टार्ट करेंगे, तो गोले इजीली नहीं बनेंगे, उसको हमको जैसे रोटी से बनते हैं वैसे नहीं, हमको दूसरी तरीके से लेना पड़ेगा, क्योंकि आटा ये गीला है। और इसके बाद जो एक्सपर्ट होते हैं वो हाथ से ही भटूरे को बना देते हैं जो उसकी शेप होती है, बट अगर आपको हाथ से बनाना नहीं आता है तो सबसे बढ़िया है कि आप बेलन की मदद यानी कि रोलर प्रिंट की मदद से भटूरे को बना देंगे, बट इसमें सूखा आटा नहीं लगाया जाता है, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो गोले आप एक सफिशिएंट उसमें ले लीजिए, फिर उसके बाद तेल लगा के, और तेल ऑलरेडी सफिशिएंट होता है, लेकिन अगर आपको लगे कि आपके जो भटूरे हैं वो रोलर पिन में चिपक रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आप तेल लगा सकते हैं। तो बस इस तरीके से हल्का हल्का बेलें। अब जो भटूरे हैं वो मोस्टली लंबी बेले जाते हैं, क्योंकि जो मैदा होता है उसमें इतना ग्लूटेन होता है कि वो एक साइड टूवर्ड्स वन साइड जाता है, और लास्ट में जो आउटर एजेस होते हैं उनमें वो मोटा मोटा छोड़ देता है। तो बस ये ध्यान रखते हुए मैं क्या करती हूँ, हाफ तो मैं हाथों से पलट लेती हूँ, और फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर मैं बेलन की मदद से उसको बड़ा करके और सीधा कढ़ाई में डाल देती हूँ। अब ये कढ़ाई में वैसे ही डालना है जैसे पूड़ी डाली जाती है। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि जैसे ही भटूरा कढ़ाई में जाएगा, तेल में जाएगा, वो श्रिंक होगा, तो हमको जैसा खाना है उससे थोड़ा सा पतला ही और बड़ा ही हमको बनाना है, क्योंकि जैसे ही हम ये जैसे ही तेल में डालेंगे श्रिंक हो जाएगा।
और लंबा रहेगा तो बेटर है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा लंबाई में बनाया ना कि गोल, और साइड के जो एजेस हैं उनको मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इनकी जो मोटाई है वो कम कर सकूँ, क्योंकि ऑलरेडी साइड में जाके खट्टा हो जाता है, ये मैदे का एक नेचर है। तो बस अब ये हमारा भटूरा देखिए, मेरा क्योंकि जो बेलने का हुरसा बोलते हैं जिसको, वो बोर्ड जो है वो थोड़ा छोटा था तो वो थोड़े एजेस बाहर निकल रहे थे, बट बस हमने इसको लिया और थोड़ा सा ऊपर से ही पकड़ना है एक साइड से, और हम इसको धीमे से साइड से ड्रॉप करेंगे ताकि बिल्कुल भी तेल आपके ऊपर नहीं आए। तो अब देखो मैं कैसे कर रही हूँ, एक साइड से मैंने लिया और धीमे से इसको छोड़ दिया, और बस अब कलछल जो होती है या फिर आप स्पैचुला बोल सकते हो उसको, उसकी मदद से हल्का हल्का सॉफ्ट सॉफ्ट पुश करना है ताकि जो ऊपर का एरिया है वो भी तेल में डूबा रह सके, जिसकी मदद से ही हमारा भटूरा प्रॉपरली और अच्छी तरीके से फूलता है, बलून जैसा फूल जाएगा आपका भटूरा, और एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है जिसको कहते हैं कि क्रिस्पी है बट एट द सेम टाइम वो सॉफ्ट भी है। तो वो वाला जो फ्लेवर और वो वाला जो टेक्सचर आपको चाहिए भटूरे का, वो इसमें इंग्रेडिएंट काम करता है आपका, एक तो चीनी और दूसरा रवा। तो बस ये देखिए भटूरे गर्मा गर्म हमारे बनने शुरू हो गए। अब इसको एक क्रिम्सन रेड तो नहीं बोलेंगे, बट रेड से एक नीचे का शेड होता है, पिंकिश शेड होता है, उस शेड पे आप बना के गर्मा गर्म परोस सकते हैं। तो बस सेम ही स्टेप को आप बार बार दोहरा सकते हैं, और अगर आप देखोगे तो अगर आप ये जो जब आप भटूरे को डालते हो तेल के अंदर, तो ट्रिक ये है कि आपका भटूरा बाय डिफ़ॉल्ट नेचर वाइज वो ऊपर आएगा, बट आपको आपके स्पैचुला या फिर आपकी कलछल की मदद से, आपकी चम्मच की मदद से उसको तेल में भिगो के रखना है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो तेल थोड़ा सा ऊपर डालते रहिए साइड से ले लेके, और देखिए कितना बढ़िया बलून जैसा हमारा भटूरा फूल के आ रहा है बाहर। सी द रिज़ल्ट। अब जो है आप इस गरम गरम भटूरे को मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि अंदर आप देखो कितना सॉफ्ट सॉफ्ट से आपको इसका वो मिलेगा, और बाहर से ये कितना करारा है, यानी कि नीचे की एज जो है वो सॉफ्ट है और ऊपर की एज जो है वो करारी है। तो अब अगर आप देखोगे तो ये कॉम्बिनेशन ये एक मेंटेन है जो कि आपको एक सॉफ्ट और क्रिस्पी दोनों का प्रॉपर बैलेंस बना के देगा। बस ये गर्मा गर्म भटूरे आप अपने पिंडी छोले के साथ सर्व करिए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्प्रेड लव थ्रू कुकिंग। गणपति।